नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तीन बिल जो कृषि कानूनों के आए हैं उसको रद्द कराने की मांग को लेकर किसान अभी तक डटा हुआ है। और आज आप पहुंचे हैं पंचकुला के डीसी ऑफिस का घेराव करने अपने कृषि कानून। तो क्या कहेंगे आज अपने डीसी ऑफिस का घेराव? मैडम कहें क्या, एक ये जरिया है जो हमें आवाज़ का, ये स्पीकर है जो, वो तो यहाँ तक प्रशासन हमें आने नहीं दे रहा। क्यों, जब इतनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, तो हमारा एक ट्रैक्टर क्यों नहीं घुस सकता यहाँ पे? अब कोई कहे कि हमारे खेतों में जीरी की फसल होती है, उसमें दूसरी दवाई गिरती है, और आप गेहूं में मुडुसी की गिरेगी, जीरी वाली मुडुसी की तो नहीं गिरने की, हमारा तो पेट स्वामीनाथन से भरेगा ना, हमें क्या करना है इनके काली कानूनों का? सो जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, तो आज आप किसानों के हित में, किसानों के समर्थन में उतर कर आज आप डीसी ऑफिस तक क्या बात पहुँचाना चाहते? पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अभी खेती नहीं कर रहा, उसके पूर्वज किसी ना किसी टाइम पे खेती उन्होंने ज़रूर की है, तो आज हम सबका हक बनता है कि किसानों के साथ लड़के उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ें। मैं खुद खेती नहीं कर रहा, पर बात हकों की, किसानों के हकों की बात है, और अब ये जो आंदोलन है ये बहुत ऊपर हो गया है। इट्स सर्टनली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, हमारे राइट टू प्रोटेस्ट है, उसको नहीं ये करने दे रहे। पीसफुली हम प्रोटेस्ट करते हैं, 34 में उन्होंने वाटर कैनन चला दिए। हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ है कि हमारा हर बंदे का एक अधिकार होता है कि वो शांतिपूर्ण वहां पे प्रोटेस्ट कर सकता है। इन्होंने वाटर कैनन स्टार्ट क्यों किया? वहां पे छोटे-छोटे बच्चे आए हुए थे, मेरे को देख के रोना निकल गया उनको। छोटे-छोटे बच्चे, बीवी आई हुई थी, बेबी आई हुई थी काफी, उनको चोट मारी, पानी से नीचे गिरे, टर्बन उतार दिए उनकी, ये क्या बात होती है? वहाँ पे शांतिपूर्ण कर रहे हैं। अगर कोई आ जाए, मैं भी उनको वीडियोस दिखा दूंगा सारी, पहले किसने वाटर कैनन स्टार्ट किया। वो जो आप बात कर रहे हो खंजर की, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो खंजर नहीं थे, उनके ऊपर फ्लैग लगे हुए थे। जब इन्होंने वाटर कैनन करा, वो फ्लैग उतर के गिर गए। अब अगर डंडे लेके घूम रहे हैं फ्लैग में, उसमें डंडे तो होंगे, वो फ्लैग पानी से गिरे हैं, पहले वो फ्लैग थे। गवर्नमेंट की साजिश है बदनाम करने के लिए, भाई किसानों को बदनाम किया जाए। एसडीएम के पास क्या किसान जाएगा जो सरकार के दबाव में रहता है? एसडीएम तो सरकार जैसे कहेगी वैसे फैसला करेगा। कोर्ट में 50-60 हज़ार रुपए की फसल बिकती है गरीब आदमी की, और कोर्ट में धक्के खाएगा या एडवोकेट को फीस देगा? इसके मतलब किसान बर्बाद ही कर जाएगा, छोटा दुकान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल अन्याय कर रहा है जनता के साथ, किसानों के साथ, बिल्कुल अत्याचार। इससे गिरा आदमी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता कभी भी दुनिया के अंदर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।